दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान छत्तीसगढ़ रायपुर आ पहुंचे हैं। भूपेश बघेल अच्छे से काम नहीं कर रहे? नहीं, काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी क्या है, केजरीवाल के जो सुविधा वगैरह सब दे रहे हैं दिल्ली वगैरह में, तो उसी के अनुसरण यहाँ छत्तीसगढ़ में करेगा, ऐसा टाइप के हम लोग मार रहे हैं। तो चुनाव में इनको वोट नहीं दोगे क्या? नहीं, देखेंगे भाई, जैसा दिल्ली में किया है वैसा छत्तीसगढ़ में कर देंगे तो हम भी देंगे। किसान तो त्रस्ता है ना, पूरे धान नहीं ले रहे। तो फिर सरकार चलाए बर सरकार ला पैसा कहाँ से मिली? सरकार चलाए बर सरकार ला पैसा ऊपर से मिली, केंद्र से मिली, यहाँ से भी मिली, टैक्स जो भरत वो मिली। मार्च का महीना आ चुका है और लगभग गर्मी ने छत्तीसगढ़ में अपना पैर पसार चुकी है, और एक तरफ सियासी पारा है, सियासी गर्मी है जो और भी ज़्यादा बढ़ने जा रही है, जिसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान छत्तीसगढ़ रायपुर आ पहुँचे हैं और अपना छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपना दखल देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो केजरीवाल और भगवंत मान से बातें सुनने के लिए आए हैं कि क्या क्या सौगात लेके आते हैं, वो चुनाव में क्या कुछ उनका भूमिका रहेगा और यहाँ के रहने वाले जनता को क्या दे सकते हैं, इसके बारे में लोग सुनने के लिए आए हुए हैं। और दोनों जगह दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की उन्होंने लगभग वहाँ की स्थिति को पूर्णतः चेंज कर दिया है, बदल दिया है और अब छत्तीसगढ़ में पहुँचे हैं। तो यहाँ पहुँचे लोगों से बात करते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं। सर कहाँ से आए आप? हम लोग गुंडरदेह विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। क्या लगता है भैया, केजरीवाल में क्या ऐसा चीज़ है जो आप लोग आकर्षित हो गए हैं? अब क्या है, अभी यहाँ आम आदमी पार्टी का आगमन हो रहा है धीरे से, तो उसका भी खाता खुलना चाहिए। जैसा दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली और पंजाब में, उसी तरह अपने छत्तीसगढ़ में भी तीसरी पार्टी का पदार्पण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया? भूपेश बघेल अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? एक अच्छे दोनों भूपेश बघेल अच्छे से काम नहीं कर रहे? नहीं, काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी क्या है, सब धान वान का रेट भी तो सही नहीं मिल रहा है ना लोगों को। 15 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, पूरे धान खरीदना चाहिए। किसानी में तो बहुत खर्चा होता है ना किसानों का, यदि उसको काउंटिंग करे जाए तो किसानों के पास कुछ नहीं बचता, ऐसा है। तो भूपेश बघेल के सरकार में क्या दिक्कत है भैया, कैसे यहाँ आए हो अपन, कहाँ से? अर्जिंदा गुंडरदेह विधानसभा से। क्या नाम है आपके? अशोक कुमार। क्या चीज़ आकर्षित करते हैं आप लोग केजरीवाल के प्रति? केजरीवाल के जो सुविधा वगैरह सब दे रहे हैं दिल्ली वगैरह में, तो उसी के अनुसरण यहाँ छत्तीसगढ़ में करेगा, ऐसा टाइप के हम लोग मार रहे हैं। कौन से ऐसे सुविधाएं जो लगते हैं आप लोग छत्तीसगढ़ में होना चाहिए? हाँ, वही सो जो टैक्स वगैरह जो माफ़ कर रहे हैं सब, अभी मकान टैक्स है, दुनिया भर के जो प्रोफेसर सब टैक्स दे रहे हैं ना, उसी से सब जो महिलाओं के लिए जो आप बता रहे हैं अभी भाषण में हैं, वही सब वहाँ इसके संकल्प पत्र में दिया होगा, वही सब चल रहा है, उसी के सोच के हम भी अब छत्तीसगढ़ में लागू करवाएंगे, ऐसे टाइप के हम लोग मार रहे हैं। हाँ, कहाँ से आए अंकल आपन? गुंडरदेह विधानसभा। सबको एक ही जगह से आए? एक ही जगह। एक काखर प्रतिनिधि तो मैं हूँ। हम आम पार्टी। नहीं, काखर साथ में आओ। गुंडरदेह विधानसभा से हमारे जो प्रतिनिधि है उसके साथ में आए। क्या चीज़ है भैया केजरीवाल में ऐसा जो आपको लग रहा है भूपेश बघेल नहीं दे पा रहे आप लोग? नहीं सर, हम तो ऐसे देखने के लिए आए हैं, उसके भाषण सुनने के लिए आए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं भूपेश बघेल? तो चुनाव में इनको वोट नहीं दोगे क्या? नहीं, देखेंगे भाई, जैसा दिल्ली में किया है वैसा छत्तीसगढ़ में कर देंगे तो हम भी देंगे। किसान तो त्रस्ता है ना, पूरे धान नहीं ले रहे, व्यापारी को बेचते हैं आधा रेट में, वही है। क्या है भैया, कहाँ से हो अपन, कहाँ से हो दादाजी? अर्जुंदा से हैं, एक ही हैं, गुंडरदेह। एक ही जगह से हो? तो सब जन अतका सामने सामने बैठे बाबा, एक और पाछू बैठे तो एक दूपने उड़ान। अभी ग्राउंड एकदम खाली खाली दिखा थे, ज़्यादा आदमी मन नहीं आया लगा थे। क्या लगा थे भैया, काबर रमन सिंह और भूपेश बघेल के राहत ले काबर अपन आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आंदे हो? तो अच्छा काम करवा देकर सटी दिल्ली में करवा थे, अच्छे काम तो।
मौजूद और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, महिलाएं दिख रही हैं और बहुत बड़ी मात्रा में नवयुवक भी दिख रहे हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? मन भिलाई। क्या बात है भैया, कैसे आए हो? बता रहे कैसे भैया, आम आदमी ने सपोर्ट करे बरहानी है, केजरीवाल का स्वागत करे बरहान हमारे छत्तीसगढ़ में। काबर स्वागत करत हो, का लगत है खास एकर बारे में? एकर बारे में खास ये है कि जो महंगाई के दौरे मन चला थे आगे, जो कांग्रेस है भाजपा है, ओला केजरीवाल के यहाँ सरकार बना के ओला सब खत्म करना है पूरा महंगाई ला, सबसे पहली बात है। का लगते का इसे जादू कर दीजिए छत्तीसगढ़ में महंगाई कम हो जाए, जबकि ओखर दिल्ली में भी तो 1200 रुपये किलो ही ओला सिलेंडर मिला थे। जैसे अभी तक देखे जात आकलन दिल्ली में फ्री है, बिजली है फ्री है, मेडिकल है फ्री है, सारा चीज़ है फ्री, वहाँ भी ये फ्री अगर कर ही सरकार बना के तो आगे यहाँ के भविष्य सुधरे जा सकत है। तो आप ऐसे नहीं लगे भैया कि बहुत सारा चीज़ जब फ्री दे दी तो जनता मन है काम करे प्रति उसका उत्साहित नहीं रही, आलसी हो जाए? काम कर ही वो में वो अपन ले जोड़ ही, ऐसे है पूरा सिस्टम साथ में बदल ही। तो फिर सरकार चलाए पर सरकार ला पैसा कहाँ से मिली? सरकार चलाए पर सरकार ला पैसा ऊपर से मिली, केंद्र से मिली, यहाँ से भी मिली, टैक्स जो भरत वो मिली, सब पैसा कहाँ जाते, वही सब पैसा चल ही। का लगा थे ए बारी सरकार बना पाई केजरीवाल? बिल्कुल बना पाई, हम साथ हैं, हमार सब छत्तीसगढ़ साथ है, बिल्कुल बनाना है बार छत्तीसगढ़ में आप पार्टी। ऐसी कौन सी योजना है जो आप लगते कि केजरीवाल जी यहाँ लागू कर ही तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, जेला देख के आप मन अतका प्रेरित हो गए हो कि ओला यहाँ के सीएम मतलब ओखर सरकार बनाए बार रेडी हो? तो सबसे पहली बात तो है वही महंगाई, जब बिजली पानी और गैस ये सब चीज़ जब सस्ता हो ही तब एक सरकार आए में जल्दी आए कोशिश कर रही है। और भैया कहाँ से हो आपन? हम लोग बालको से आए। कद का जना हो? हम लोग 70 के आए। तब भैया का लगत है आप लोग केजरीवाल जी का कर सकते हैं यहाँ पे? केजरीवाल जी को आगे बढ़ाने के लिए तो आए हैं और बहुत सारी महिलाएं भी हैं इधर गए हैं। तो यहाँ पे पहले से बीजेपी और कांग्रेस का बोलते हैं बहुत दबदबा है, तो लगता है जगह बना पाएगा केजरीवाल जी? बनेगा भाई, धीरे धीरे बनेगा, पूरा तो नहीं बनेगा, कुछ कुछ सीट हासिल करेंगे। क्यों लगता है कि केजरीवाल यहाँ पे आ सकते हैं? इसका कार्यकाल भी अच्छा है, आगे बढ़ रहा है, सब गरीबों को उभार रहा है दुख। क्या ऐसा क्या कार्यक्रम है उनका जो आपको अच्छा लगता है? अभी सब बैठक को देख रहा हो, गरीबी लोगों को देख रहे हो, ये सबको आगे बढ़ाने में लोग सहयोग कर रहे हैं। क्या सहयोग कर रहे जो भूपेश बघेल नहीं कर रहे? अब बच्चों लोग को प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं, दिल्ली में तो उसी का सरकार है, यहाँ भी है पंजाब में भगवान माननीय जी, उसी चलते कोरबा सीटों में कोरबा विधानसभा में कुछ सीट हासिल करे ऐसे उद्देश्य लेके। नहीं ठीक है आपका उद्देश्य, लेकिन दोनों का ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा किया और छत्तीसगढ़ में करेगा तो और आगे बढ़ सकता है छत्तीसगढ़? सभी काम ऐसा है, अभी देखो सड़क में तो बहुत देहात में पीछे है, जहाँ जहाँ से मेन रोड से पहुँच मार गया वहाँ गया, बाकी जगह तो देख रहा है तो कीचड़ के कीचड़ है। और लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं कि पीछे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी दूर दूर बैठे हुए हैं और बहुत छत्तीसगढ़ के दूर दूर के इलाकों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो केजरीवाल की भाषण सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की सरकार बनेगी तो गरीबी हटेगी और उनके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे। कहाँ से आओ दीदी आपन? माठा गांव से। का लगते केजरीवाल छत्तीसगढ़ में आ पाई? लगत है बहुत अच्छा से लगे सर कि आ सकते जिस तरह से कर व्यवहार से। तो 15 साल भाजपा के सरकार देखे बार और अभी 5 साल कांग्रेस के सरकार देखे के बाद का लगते आप मन लगा ऐसे दिक्कत है जो छत्तीसगढ़ के लोगन मन है केजरीवाल के आप पार्टी ला यहाँ पे लाना चाहिए? बात ऐसे है कि सरकार कांग्रेस की भी देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी देख चुके हैं, हो सकते हैं अब एक केंद्रीवाल मतलब आप पार्टी को भी देखना ज़्यादा जरूरी है ना, बदलना जरूरी है। का लगते दीदी मतलब भूपेश बघेल इसे का नहीं कर पाते जेकर बार दूसरा आदमी ला लायक जरूरत पड़े थे? माननीय श्री भूपेश बघेल जी ना मतलब वादा बहुत करते हैं,
वादा करे के बाद ना वो अपन वादा से मुकर जाते थे, जो मतलब घोषणा दे रही थे, जो बोले रही थे ना वो लो नहीं दे पाते। हाँ वही नाम से ना जनता रुष्ट हो जाते। का कर दो आप? मैं मात्र खेती किसानी करता हूँ, कुछ नहीं करा। का लगता है कौन कौन से वादे जे नहीं पूरा करी से भूपेश सरकार? जैसे कि मतलब बेरोजगार, मतलब रोजगार देबो बोली से, अभी बहुत से मतलब बेरोजगारी है नहीं, बहुत 10वीं 12वीं पढ़े हैं उन अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। हाँ भत्ता देबो बोले रही से, ओला भी नहीं दे पाईस है ना। और अभी भी मतलब जैसे कि गांव एरिया में जो मकान है ना आवास, ओला भी बंद करा दिस, एक नाम से ना जनता थोड़ा रुष्ट टाइप लगा। और यहाँ पे दाई मन भी बैठे हुए हैं, दाई का और यहाँ पे लोगन मन बैठे जिघर से बात करते हैं। कहाँ से आओ भी आप मन? कहाँ से आओ, कहाँ नाम है आप? गेली जिला। कैसे लगा थे भैया, कहाँ लगा थे केजरीवाल के सरकार के बारे में? आप मन लगा लगा थे? मैं सवाल पूछे बरा हूँ भैया, आप लग कैसे लगा थे? आप आई कि नहीं आ पाई सरकार? अच्छे लगा थे सरकार आ पाई। हाँ काबर आ पाई? भूपेश बघेल के कारण आया दोबारा? काबर हर चीज़ ला तो रुकावट रखा थे, आवास ला देते नहीं है, बाथरूम बना के देते नहीं, घर घर पानी दे कहा थोल नहीं देते है, सब में रुकावट पे काबर है। का बात है भैया जी, मैं आप ला केजरीवाल ऊपर ज़्यादा भरोसा होते है? सब ला तो बदले के, सबके कानून बदले है तो सब जनता बदले पर सब। इधर ही कौन होल नहीं दो केजरीवाल दो वोट है? हाँ केजरीवाल दो वोट। का है बाबा, कहाँ से आते हैं? करगा से। करगा। का नाम है बाबा? पुनाराज। पहली बार छत्तीसगढ़ में केजरीवाल एकदम अपन प्रचुर मात्रा में ताकत लगात हुए उतरे थे, एक हल्ले पहली कौन ला वोट देते रहे? घर पहली तो सब सरकारें मतलब वोट देते रहे नौका नहीं तो वैचारिक रूप से कौन से गरीबी नहीं हटे भी? कहाँ गरीबी हट थे? और गरीब ला चुस्ता है, कहाँ गरीबी हट थे है? कई ठे योजना ला ला के गरीब ला चुस्ता है कौन भी गरीबी हट थे? कभी नहीं हटे। यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं जो सरकार से बहुत ज़्यादा निराश हैं, जो बता रहे हैं कि सरकार आती है गरीबों को लूटती है, अपना जेब भरती है और सत्ता का खेल चलता रहता है, रोज़ नई नई पार्टी आती है। लेकिन कह रहे हैं कि केजरीवाल से काफ़ी उम्मीद है, दिल्ली और पंजाब में उन्होंने काफ़ी काम किया है और ऐसा उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी आएगा और अच्छे से काम करेंगे।